नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में अमित शाह का कल दौरा हुआ, उस दौरे के बाद राज ठाकरे के सुर जो है वो बदल गए हैं। जहां बीजेपी लगातार राज ठाकरे को अपने साथ मिलाने के लिए तमाम रणनीति बना रही है और उन रणनीतियों का फायदा अब होता नजर आ रहा है। दरअसल अमित शाह ने राज ठाकरे से मुलाकात करने के बारे में जो बात कही थी उसको लेकर के अब राज ठाकरे भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस उत्साहना में उद्धव ठाकरे को लेकर के कई बड़े बातें जो है वो कह डाली है। दरअसल उद्धव ठाकरे को ये उम्मीद थी कि राज ठाकरे इस मुसीबत की घड़ी में शिवसेना के साथ आएंगे, पार्टी का गठबंधन जो है एमएनएस का वो शिवसेना के साथ होगा और बीएनसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव दोनों मिलकर के साथ में लड़ेंगे, लेकिन होता हुआ कुछ अलग नजर आ रहा है। दरअसल राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को ही बड़ी वार्निंग दे दी है और एक तरीके से ये कह दिया है, सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि दरअसल अब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का जो दबदबा है वो अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र में अब बीजेपी, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी बात है और बड़ी खबर भी है क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए अब चुनौती जो है वो तीन गुनी हो गई है। अगर शरद पवार की बात की जाए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ एमवीए गठबंधन का हिस्सा भी है वो, लेकिन उनके लिए बड़ी चुनौती ये है कि अगर वो खुल करके बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो तमाम केसेस चल रहे हैं, चाहे वो अजीत पवार से जुड़ा हुआ मामला हो, सीबीआई ने जिस तरीके से उनको बीते 7-8 महीने पहले शिकंजा कसना शुरू किया था उनके ऊपर, लेकिन फिलहाल अभी वो मामला ठंडे बस्ते में। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के आप देखिए कि संजय राउत जैसे बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है और उस गिरफ्तारी पर शरद पवार के एक भी बयान सामने नहीं आते हैं। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि दरअसल शरद पवार भी अब उद्धव ठाकरे से किनारा कशी अख्तियार करना चाहते हैं क्योंकि वो जान रहे हैं इस बात को बखूबी कि दरअसल अब शिवसेना पार्टी में वो ताकत, वो मजबूती नहीं रह गई है कि वो बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के साथ लड़ सके। और अब जबकि राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को लेकर के इतनी बड़ी बात कह दी है और सीधे खुले तौर पर एक तरीके से चुनौती दी है, सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को अब महाराष्ट्र की राजनीति से एक तरीके से शून्य स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि पहले से ही शिवसेना पार्टी की जो हालत है वो बद से बदतर है। देखते आने वाले समय में राज ठाकरे, बीजेपी और एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्या रणनीति होती है और उद्धव ठाकरे उसके विपरीत दिशा में अपनी रणनीति किस तरीके से बनाते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।